स्टूडेंट्स, बेंटो ग्रीन ऑनलाइन क्लास में आज हम सभी इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के पार्ट्स के नाम और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। इस अध्याय के लिए अनिवार्य चीजें हैं इंडस्ट्रियल सिलाई की मशीन और सीखने की इच्छा। इस अध्याय में सिखाई गई चीजों का खुद अध्ययन करते वक्त अपनी सुरक्षा के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। बालों को खुला ना रखें, ढीले कपड़े ना पहने, सुई से सावधानी बरतें और अपनी उंगलियों को उसके नीचे आने से बचाएं। मशीन चलाने से पहले सावधानी बरतें, मशीन के ऊपर पानी की बोतल ना रखें और पैरों में चप्पल या जूते अवश्य पहने, क्योंकि ऐसा ना करने से आपको करंट लग सकता है। दोस्तों, ये है एक्सपोर्ट हाउस में इस्तेमाल होने वाली इंडस्ट्रियल सिलाई की मशीन। आइए जानते हैं अब इसके भागों के बारे में। मशीन में पार्ट्स दो मुख्य भागों में विभाजित हैं, जो कि है अंडर द टेबल और ओवर द टेबल। सबसे पहले हम जानेंगे अंडर द टेबल पार्ट्स के बारे में। स्टैंड, जैसे मकान बनने से पहले उसकी नींव रखी जाती है, वैसे ही स्टैंड मशीन की नींव है जिस पर मशीन टिकी होती है। फुट पैडल, पैडल मशीन के नीचे की तरफ लगा हुआ वो हिस्सा होता है जो कि सुई के चलने की गति को निर्धारित करता है। इसके कारण ही सुई ऊपर से नीचे की ओर होती है और कपड़े के आर पर जाके धागे को उसमें पिरो पाती है। शुरुआत में पैडल को हल्के से दबा के धीमी गति से सुई की रफ्तार को काबू में करना सीखें। नी पैड, नी पैड मशीन के नीचे लगा होता है जिसका काम फुट को अस्थाई रूप से ऊपर उठाना होता है ताकि कपड़ा सुई के नीचे सिलाई के लिए रखा जा सके। पिटमैन रोड, यह क्लच और फुट पैडल को जोड़ने का काम करता है। क्लच, क्लच मशीन में लगी हुई मोटर की ऊर्जा को मशीन तक पहुंचाता है और सुई को चलाने में मदद करता है। टूलबॉक्स, यह सिलाई के लिए अनिवार्य उपकरणों या जरूरी सामान को रखने में काम आता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे ओवर द टेबल पार्ट्स के बारे में। हैंड व्हील, यह सुई को हाथ से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुई को ऊपर नीचे करने के लिए इस व्हील को अपनी तरफ घुमाइए। मोटर, मोटर बिजली की ऊर्जा को मशीन तक पहुंचाने का काम करती है और सिलाई को चलाने में मदद करती है। ऑपरेशन पैनल, यह आपकी मशीन पर लगी हुई एक छोटी सी स्क्रीन होती है जो कि मशीन की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होती है। पावर स्विच, यह स्विच मशीन को चालू करने या बंद करने में काम आता है। थ्रेड टेक ऑफ लीवर, सिलाई के दौरान हमारा ऊपर वाला धागा इस लीवर से होकर गुजरता है और यह सुई के साथ ऊपर नीचे होता है और धागे को सही तरीके से चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिंगर गार्ड, यह सिलाई करते वक्त अपनी उंगलियों को सुई के नीचे आने से बचाता है। टेंशन कंट्रोलर, यह धागे के आने के प्रेशर को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर धागा मशीन में से ज़्यादा टाइट आएगा तो कपड़ा खींचेगा और सही से सिलाई नहीं होगी, और अगर धागा ज़्यादा लूज आए तो सिलाई कच्ची होगी और खुल जाएगी। सिलाई के दौरान कपड़े की दोनों सतह पर बराबर सिलाई नियंत्रित करने के लिए टेंशन कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। बॉबिन रिवाइंडिंग टेंशन कंट्रोलर, बॉबिन केस में धागा भरते समय यह धागे के दबाव को नियंत्रित करता है। प्रेशर फुट, यह सुई के बगल में लगी हुई लोहे की दांते नुमा प्लेट्स होती है जो सिलाई के वक्त कपड़े की सतह को दबाकर उसी जगह पर बनाए रखते हैं। अलग अलग सिलाई के दौरान अलग अलग प्रेशर फुट का प्रयोग होता है। बॉबिन, यह मशीन में लगने वाला एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें धागा भरा जाता है। थ्रेड स्टैंड,
यह स्टैंड धागे की रील को पकड़ने और उसकी जगह पर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑयल सप्लाई ओपनिंग, यह मशीन के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जो यह देखने के लिए इस्तेमाल होता है कि मशीन में तेल है या नहीं। रिवर्स फीड कंट्रोल लीवर, यह सिलाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। पूरी सिलाई हो जाने के बाद इसको ऊपर नीचे किया जाता है ताकि सिलाई मजबूती से बन जाए और पक्की हो जाए। हैंड लिफ्टर लीवर या फुट लिफ्टर, यह भी फुट को उठाने के लिए प्रयोग होता है। यह फुट को स्थायी रूप से उठाए रखने में मदद करता है। बेड, टेबल जिस पर सिलाई का सारा काम होता है। बॉबिन रिवाइंडर, यह मशीन के ऊपर की तरफ लगा होता है और यह बॉबिन को घुमाकर भरने में मदद करता है। फेस प्लेट, यह फुट के नीचे लगी हुई स्टील की प्लेट होती है जो सिलाई के दौरान कपड़े को मशीन के निचले भागों में फंसने से रोकता है और इस पर कपड़े के बॉर्डर से कितनी दूरी है यह तय करने के लिए निशान बने होते हैं। फीड डॉग्स, यह फुट के नीचे लगे हुए छोटे छोटे दांत होते हैं जो कपड़े को आगे या पीछे बांधते हैं। हेड, मशीन के ऊपरी भाग को हेड कहते हैं। निडल, निडल यानी सुई, मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कपड़े के आर पार जाकर उसे सिलता है। निडल बार, यह मशीन का वह हिस्सा है जो सुई को थामे रखता है और सिलाई के दौरान सुई ऊपर नीचे करने में मदद करता है। फुट प्रेशर एडजस्टर, ये हिस्सा यह तय करता है कि फुट कपड़े को कितने प्रेशर से दबाएगा। शटल, यह मशीन के नीचे लगा हुआ वह हिस्सा होता है जो बॉबिन को अपनी जगह पर बनाए रखता है। स्ट्रिच रेगुलेटर, यह मशीन पर लगा हुआ रेगुलेटर होता है जो टांके की लंबाई नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है। थ्रेड रिटेनर, यह मशीन में लगी हुई लोहे की प्लेट होती है जिसमें मौजूद छेद यह सुनिश्चित करता है कि सिलाई के दौरान धागा सही स्थिति में बना रहे। बॉबिन केस, यह बॉबिन को शटल में लगाने में मदद करता है। ये वीडियो देखने के बाद सभी को स्विंग मशीन के पार्ट्स के नाम और उसके फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो चुके हैं। तो वीडियो में दिखाए गए जो नाम वो सबने नोट डाउन कर लो। पिछले दिन जो सर मास्क का वीडियो दिए थे तो उसका पैटर्न और प्रोडक्ट मेकिंग करके होमवर्क सबके करके दिखाना है। तो ये वीडियो देखने का समय सभी ने सब्सक्राइब करो, ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं लेकिन बहुत सारे अभी तक है जो सब्सक्राइब नहीं किए। दाहिने तरफ वीडियो के नीचे दाहिने तरफ रेड कलर का लिखा हुआ रहता है तो उसी में क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तुम लोगों को आसानी से वो वीडियो मिल जाएगा। क्लास यही तक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे करके देंगे। तो घर में रहो, सुरक्षित रहो, हम लोग उम्मीद रखते हैं जल्दी मिलेंगे।